ये बॉम्ब 123 कंट्रीज ने बैन किया हुआ है, लेकिन यूक्रेन इसे आज भी यूज कर रहा है। ये कोई न्यूक्लियर बम नहीं है, लेकिन बैन क्यों है? ये है क्लस्टर बम जो बनता है छोटे छोटे बॉम्बलेट्स से। जब इस बॉम्ब को फायर किया जाता है हवा में ही डिस्पर्स हो जाता है और एक लार्ज एरिया को हिट करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सारे बॉम्बलेट ब्लास्ट नहीं होते और वॉर के खत्म होने के बाद जान लेते हैं सिविलियंस की। पर यूएसए इस बॉम्ब को सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, लेकिन क्यों? पहले तो ये कम राउंड में ज्यादा टारगेट्स को हिट करता है और दूसरा यूएसए के पास अच्छा खासा स्टॉक है क्लस्टर बम का।